काही दिवसांपूर्वी आकाश ताराचंद गौड या आरोपीचा जेलमध्ये मृत्यू झाल्याने त्याच्या कुटुंबियांनी पत्रपरिषद घेतली. यावेळी मृताचे वडील नायाबंद ओमप्रकाश गौड यांनी आकाश ताराचंद गड यावर केलेल्या कारभार आणि नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाने केलेल्या अत्याचाराबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचे आवाहन केले. आकाश ताराचंद गौड याच्या वडिलांनी घेतलेल्या पत्रपरिषद ते बोलताना म्हणाले की मी सोमवारी मे 2022 रोजी माझ्या मुलाला भेटायला गेलो होतो तेव्हा त्याने मला सांगितले की तुरुंगात पाणी पिण्यावरून त्यांचा वाद झाला. तेव्हापासून मला 10x10 खोलीत ठेवण्यात आले आहे. मी दररोज येथे उभा राहतो त्यामुळे माझी इमर्जन्सी बेल करा असे आकाशने मला सांगितले. आणि 14 मे 2022 रोजी नंदनवन पोलीस ठाण्यातील एक हवालदार माझ्या घरी आला आणि मला सांगतो की तुमचा मुलगा आकाश हा मेडिकलमध्ये मरण पावला आहे. त्याच्या डोक्यापासून पायापर्यंत मारहाण आणि लाठ्यांच्या अनेक खुणा होत्या. तर आमच्याकडे हे सर्व खुणा फोटो आणि व्हिडिओच्या रूपात आहे. माझ्या मुलाला न्याय मिळावा व ज्यांनी माझ्या मुलावर अत्याचार केला त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, या सर्व प्रकरणाची CBI चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी या पत्रपरिषदेद्वारे केली. भागने के बाद में उसको उन लोगों ने पुलिस वालों ने पैसे लेकर छोड़ दिया. उसको सरकारी गवाह बना दिया और मेरे लड़के को मुजरिम बना दिया. उसके बाद में मैंने बेल डाला था उसकी, तो बेल में भी जज साहब ने मेरे को यह बोला, रिजेक्ट बेल में लिखा है उन्होंने कि पुलिस के ऊपर में कार्रवाई की जाए. 10 दिन तक उसको बुलाया लेकिन वो नहीं आया. उसको नोटिस भेजा था जज साहब ने, नोटिस के बाद भी वो आदमी हाजिर नहीं हुआ और आखिरी मेरे बेटे की बेल रिजेक्ट कर दी. उसके बाद में हमने हाईकोर्ट में डालने के लिए वकील नियुक्त किया था और 10 दिन बाद रिजेक्ट बेल मेरे हाथ में दिया था कोर्ट से. 10 दिन तक उन्होंने अपने पास रिजेक्ट बेल रखी. तो अभी मैं हर सोमवार को मेरे बच्चे से जेल में मिलने के लिए जाता था. 9 तारीख को जेल में मैं बच्चे से मिलने के लिए पानी के लिए मेरा एक कैदी के साथ में 2-2 बातें हुई मुझे. तो जज जेलर में बोले मेरे को 10x10 के रूम में बंद कर दिया है और बंद करके मेरे को बहुत मारा है. मेरा कैसे भी करो, आप कुछ भी करो, मेरा अभी बोले इमरजेंसी बेल्ट डालो. कोर्ट की छुट्टी लग गई थी तो बोले मेरी इमरजेंसी बेल्ट डालो और मेरे को भले ही 1 महीने के लिए निकालो लेकिन मेरे को निकालो. VKB न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.